अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं इनाम पीसी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि HP 7900 का ऑडी ड्राइवर क्यों नहीं होता। बाज़ुकात तो हम अपने ड्राइवर को दोबारा इंस्टॉल करेंगे 7900 के इंस्टॉल हो रहा है, ये एरर आता है ऑडियो ड्राइवर में जब करते हैं ना, तो ये वाला एरर आता है बाज़ुकात। तो इसका हल क्या है, इसको कैसे एरर को ख़त्म करना है, तो हम पहले इसको रीस्टार्ट करेंगे, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ये रीस्टार्ट हो रहा है, ये रीस्टार्ट हो गया। कीबोर्ड से F10 दबाना है, F10 दबा के सेटअप में जाना है, इंग्लिश में जाके आगे एंड पे जाना है, एडवांस ऑप्शन में जाके नीचे है डिवाइस ऑप्शन पे एंटर करना है। तो नीचे आना है इंटरनल स्पीकर पे, ये डिसेबल हुआ है पहले, हमने इसको एनेबल करना है, लेफ्ट क्लिक करके या कीबोर्ड से एनेबल कर दिया, सेव करना है F10 से। हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है दोबारा, तो फिर हम करेंगे इसका ड्राइवर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। हमारी विंडो दोबारा स्टार्ट हो गई है, डेस्कटॉप आ गया। अब हम दोबारा अपने ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। ये HP 7900+ ऑडियो ड्राइवर है, इसको राइट क्लिक करके दूसरे नंबर पर आना है, एडमिनिस्ट्रेटर करना है और हमने दोबारा इसको इंस्टॉल करना है, यस कर दें। सेटअप को दोबारा इंस्टॉल करना है, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, इंतज़ार करें, नेक्स्ट कर दें। आगे पहले आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे कह रहा है कि रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना, हमने नहीं करना, नो कर देना, नो करके फिनिश कर देना और हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। ये नीचे देखें, ये हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है, पहले नहीं हो रहा था, पहले एरर आया था, हमने इसको क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह।